हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दत्ता, आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल। आपका हमारे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है। फ्रेंड आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल के कस्टम यूआरएल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना चैनल का खुद का कस्टम यूआरएल किस तरह से बना सकते हो, उससे क्या फ़ायदे होते हैं और वो आप कब बना सकते हैं, यूट्यूब आपको कब परमिशन देता है वो बनाने के लिए फ्रेंड्स, और उसे बनाने के आपको फ़ायदा मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में, किस तरह से आपका फ़ायदा उसमें होता है बनाने के बाद। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को नहीं कीजिएगा इसी नहीं कीजिएगा रिमूव, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, वरना आपकी चैनल के किसी सेटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड्स। तो वीडियो को केयरफुली बड़े अच्छे से देखिएगा और उसको कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना कोई सेटिंग आपका गड़बड़ ना हो जाए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को मैं बता देता हूँ पहले कि उससे आप कब बना सकते हैं कस्टमर अपना कस्टम यूआरएल फ्रेंड्स। आप जब आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तभी आप अपना कस्टम यूआरएल बना सकते हैं फ्रेंड्स, और उसके लिए फायदे होते हैं कि फ्रेंड्स मान लीजिए आपने खुद का कस्टम यूआरएल बना, कस्टम यूआरएल लेवल बनाने से पहले आप कुछ देखिएगा कि इस तरह से आपका कुछ दिखेगा फ्रेंड्स, और आपने खुद का कस्टम यूआरएल बना लीजिएगा तो उसमें आपका कुछ आपका चैनल का नाम आ जाएगा। आप अपने चैनल के नाम से कस्टम यूआरएल बना सकते हैं ताकि उसमें गूगल में सर्च करें आपका चैनल का नाम और आपका चैनल का नाम सर्च करते हैं वहाँ पे आपका चैनल शो करने लगेगा फ्रेंड्स गूगल या क्रोम से खोलने के बाद। तो आज के इस वीडियो में बताऊँगा पूरा डिटेल में कि कस्टम यूआरएल किस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहले तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाई स्टेप कि किस तरह से इसको मोबाइल से या डेस्कटॉप से दोनों साइड से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मोबाइल से बताऊंगा आपको डेस्कटॉप वर्सन में करके फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। पहले तो यहाँ पे मैंने अपना गूगल में अपना चैनल को खोल लिया है फ्रेंड्स। गूगल में अपना चैनल खोलने के बाद यहाँ पर आप कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आपको यहाँ पर ही दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका स्टूडियो यूट्यूब डॉट कॉम पर चल जाएगा फ्रेंड्स। आपका कुछ इस तरह से स्टूडियो यूट्यूब डॉट कॉम पर खुल जाएगा, चैनल कस्टमाइजेशन आपका खुल गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर चैनल कस्टमाइजेशन खुल जाने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन, तीनों में से आपको लास्ट वाला बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चल जाना है फ्रेंड्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका चैनल का नाम, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर आपका लैंग्वेज और ऐड चैनल यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, चैनल यूआरएल आएगा। चैनल यूआरएल के नीचे यहाँ पर आपको सेट ए यूआरएल, आपका अगर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया तो आपको यहाँ पर सेट ए यूआरएल का ऑप्शन दिख जाएगा फ्रेंड्स। वो 100 सब्सक्राइबर होने के बाद सेट ए यूआरएल पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर चैनल यूआरएल दिख रहा होगा। चैनल यूआरएल में यहाँ पर कुछ अलग से दिखेगा तो उसको आपको यहाँ पर ही छोड़ देना है, www.youtube.com. यहाँ तक छोड़ देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट करके आपका चैनल का नाम लिखना है। अगर आपका चैनल का नाम ऑलरेडी किसी ने यूआरएल बना चुका है तो आप उसको नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप अपना जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल में डबल लिखा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मेरा चैनल ऑलरेडी मैच कर रहा था, किसी से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको डबल लिखा, लेकिन मैं अपने चैनल का नाम ही दिया हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैं आपको इसमें सिर्फ गूगल में अपना चैनल का नाम सर्च करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, कि अपना गूगल में सिर्फ अपना चैनल का नाम सर्च करूंगा और वो आपको वहाँ पर चैनल का मेरा शो कर जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि मैं गूगल पर यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिखता हूँ सिंपल टेक्निकल। अब मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर सर्च कर दिया हूँ, यहाँ पर चैनल का नाम सर्च करते ही मेरा देखिए चैनल यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर सिंपल टेक्निकल मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहा है, मेरे लोगो दिख रहा है, ये मेरा ही चैनल फ्रेंड, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा डायरेक्ट चैनल पर चल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट मेरा चैनल खुल गया है। यहाँ पर बस आपको यही फ़ायदा है, मैं यही फ़ायदा आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप मान लीजिए वहाँ पर डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कीजिएगा अपना चैनल का नाम तो आपका चैनल वहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन पे, और डायरेक्ट आपके चैनल पर कोई भी जा सकता है गूगल पे खोल के फ्रेंड्स। तो कस्टमर यूआरएल देने का यही फ़ायदा है फ्रेंड्स, और कस्टम यूआरएल आप 100 सब्सक्राइबर आपको हो जाने के बाद ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जाइए अपना कस्टम यूआरएल चेंज भी। अगर आप कस्टम यूआरएल को चेंज भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ से इजी तरीके से कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, आप अपना
बाद में कोई भी कस्टमर यू आर रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो को आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।